कासगंज जिले में एक और विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। मौत की सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने मृतका के ससुराली जनों पर हत्या कर शव फांसी के फंदे पर लटका कर आत्महत्या का रूप दिए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कासगंज कोतवाली क्षेत्र के पौसरा गांव निवासी बच्चन की माने तो उन्होंने अपनी 23 वर्षीय बहन खुशबू की शादी 5 साल पूर्व कोतवाली क्षेत्र के गांव टीकमपुरा निवासी देवेंद्र कुमार के साथ हिंदू रीति रिवाज और सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर की थी। शादी के बाद खुशबू के ससुराली जन अतिरिक्त दहेज में 1 लाख रुपए और बाइक की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करते रहते थे। गुरुवार और शुक्रवार की रात में खुशबू के पति देवेंद्र अपने परिजनों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की थी और हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाकर खुशबू के मासूम बच्चों को लेकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ आपकी सिस्टर के साथ में? वो मेरी सिस्टर से बोलते थे दहेज का, दहेज मांगते थे, कहते थे अपने घर वालों से कह जाके दहेज 1.5 लाख रुपए और गाड़ी की कहते थे, बार बार उस परेशान करते थे। उसके सासू ने उसे मारा पीटा और उसके घर वाले ने दारू पी के उसे फांसी लगा दी और ये लगे गए आत्महत्या कर दी उसने कर ली। जनमन न्यूज के लिए कासगंज से सोनू दुबे की रिपोर्ट।